मित्रों, जय श्री राम, जय माता जी। मैं आपको बताने जा रही हूँ शारदीय नवरात्र के बारे में। मित्रों, शारदीय नवरात्र आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बुधवार को है, दिनांक 10 अक्टूबर 2018 को, और शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। देवी पुराण में सुबह के समय ही देवी का आह्वान किया जाता है और पूजा करने के बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बार चित्रा नक्षत्र और वैधरति योग है, जबकि ये चित्रा नक्षत्र और वैधरति योग दोनों ही अत्यंत खराब माने जाते हैं और इसमें कई अशुभ घटनाएं होती हैं, इसलिए इन दोनों को त्याज्य बताया गया है। लेकिन इन दोनों के आदि के मतलब आरंभ के दो चरणों को त्याग कर घट स्थापना की आज्ञा दी गई है और ऐसा कहा गया है कि इसमें जब कोई और मुहूर्त ना हो तो किया जा सकता है ऐसा। तो इस वर्ष जो है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा भी है और द्वितीया भी बुधवार को ही है, और चित्रा नक्षत्र जो है और वैधरति योग है ये भी दोपहर को 11:58 तक है, और इसके बाद अभिजित मुहूर्त भी है। अभिजित मुहूर्त भी बुधवार को, आपको मालूम है वैसे तो दिन में मुहूर्त होता है अभिजित मुहूर्त, लेकिन ये जो मुहूर्त है बुधवार को नहीं होता है, क्योंकि 12 से 1:30 राहु काल होता है बुधवार को, इसलिए अभिजित मुहूर्त भी नहीं है। और नवरात्रि का जो आरंभ है पंचांग के अनुसार, जो पंडितों ने मुहूर्त निकाला है उसके हिसाब से सुबह 6:27 से 7:01 तक द्विस्वभाव लग्न, जो कि कन्या लग्न है, उसमें शास्त्र सम्मत बताया गया है। इसके बाद में आप लाभ और अमृत के चौघड़िये में भी घट स्थापना कर सकते हैं, जो कि सूर्योदय से 9:20 तक है। तो इस तरह से नवरात्रि की आप घट स्थापना कर सकते हैं, और जो लोग ये सब नहीं करना चाहते हैं, घट स्थापना नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से नवरात्रि कर रहे हैं, तो वो वैधरति योग और चित्रा नक्षत्र दोनों को संपूर्ण रूप से निकल जाने दें, उसके बाद ही वो अपनी पूजा करें तो बेहतर रहेगा। और चौघड़िया वगैरह उनको देख लेना चाहिए। हालांकि भगवान का जो पूजा है उसमें सबसे प्रमुख होता है भक्ति भाव, लेकिन मुहूर्त का भी क्योंकि काफी महत्व होता है और मुहूर्त भी देख लेना चाहिए, मुहूर्त सही हो तो काम सिद्ध होता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।